हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है फिर से एक और न्यू ब्लॉग्स में। दोस्तों अभी दोपहर के 12:30 हो रहा है और आज मैं फेरी पर नहीं गया हूँ, इसलिए क्योंकि दोस्तों देख सकते हैं मौसम आज का पूरी तरह से जो है ना बादल लगा हुआ है और बारिश भी हुआ है सुबह सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में तेज, और उससे पहले फुनफुना रहा था, अभी भी दोस्तों थोड़ा फुनफुना ही रहा है। वही मैं चल रहा हूँ उस तरह में खेत में, देख सकते हैं खाद अभी लेकर के, तो चलते हैं और खाद छिट करके आते हैं क्योंकि बारिश थोड़ा हो गया है सुबह और कमैनी भी जो है ना हो गया है, तो खाद छिटना है तो चलते हैं, खाद छिट करके आते हैं। और आज थोड़ा भी उबेर जो होता है ना फ्रेश मौसम नहीं हुआ है, अभी भी फुनफुना ही रहा है थोड़ा थोड़ा, और कपड़ा वाला काम है तो क्लियर रहता है, फ्रेश रहता है तो सही रहता है, लेकिन फुनफुना ही रहा है। कल जैसा भी मौसम रहता है तो सही रहता है, क्योंकि कल धूप था खूब तेज और थोड़ा बारिश हो गया फिर उबेर हो गया, तो इस तरह का मौसम रहता है तो फेरी भी होता है, लेकिन वहीं पे इस तरह का मौसम रहेगा तो फेरी नहीं होगा, इसलिए क्योंकि कपड़ा है और थोड़ा थोड़ा बारिश होते होते भी पूरा कपड़ा सेव जाता है। अभी मैं ओखी के रास्ते से अभी चल रहा हूँ दोस्तों, तो चलते हैं खाद छीट करके आते हैं। और आज का मौसम इस तरह का है कि आज फ्रेश होने का चांस नहीं है, तो चलते हैं। मुखी का पता जो है ना लग रहा है आँख पर, इसके वजह से बच के चलना पड़ रहा है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं खेत में। और बारिश भी दोस्तों अब थोड़ा तेज़ हो गया, कभी तेज़ होता है कभी थोड़ा धीरा हो जाता है, इस तरह का आज का बारिश वाला मौसम है। अभी आ गया धान का खेती, इधर देख सकते हैं इधर पूरा धान का खेती है, थोड़ा सा इधर उठी था। चलते हैं, आते हैं खाद छीट करके, जल्दी से चलना पड़ेगा नहीं तो देख सकते हैं अभी खाद को ढक लिया हूँ गमछा से, यूरिया खाद है तो यूरिया खाद तो दोस्तों नहीं डालना चाहिए खेतों में, लेकिन क्या करें अगर नहीं डालेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, खेती भी नहीं होगा। जैविक खाद को जो है ना व्यवस्था करने में परेशानी ज़्यादा होता है इसके वजह से, और थोड़ा खर्चा भी होता है इसके वजह से, जैविक खाद नहीं कम डालते हैं, साल में एक बार ऑर्गेनिक इसको मान सकते हैं, भैंस का गोबर वोबर होता है ना वो सब डालते हैं, और धान है तो धान में तो यूरिया ही डालेंगे। तो दोस्तों चलते हैं जल्दी से, पहले खाद छीट करके आते हैं नहीं तो गीला होगा। ऐसे ढक लिया हो दोस्तों, बारिश थोड़ा तेज है तो गमछा पर ही बारिश गिर रहा है, तो चलते हैं जल्दी से छीट लेते हैं, बस अब पहुंचने ही वाले हैं। तो दोस्तों इसी में छीटना है आगे खेत में, और चलते हैं जल्दी जल्दी छीट लेते हैं क्योंकि बारिश भी हो रहा है, जल्दी से छीट करके। और उसके बाद में एक घास दिख रहा है तो ये घास लेकर के चलना है, क्योंकि मेरे माँ ये बाबूजी कमीनी किए हैं तो मुझे लेकर के चलना है, जल्दी से खाद छीट लेते हैं पहले। दोस्तों हमने अभी खाद छीट लिया, देख सकते हैं पूरा खाली हो गया, पानी रहता था इसको धो करके और छीट देता, लेकिन पानी पूरा ख़त्म है, बारिश हुआ है लेकिन देख सकते हैं दरार फटा हुआ है, पूरा पानी ख़त्म हो गया है, पानी नहीं है, सूखा हुआ है खेत। तो चलिए दोस्तों अभी खाद छीट लिया, बारिश भी हो रहा है, कपड़ा भी दोस्तों गीला हो गया, अभी चलते हैं घास उठाते हैं ये वाला और लेकर के चलते हैं। तो दोस्तों अभी घास उठा लिया और चलते हैं लेकर के घर पे, बारिश भी दोस्तों छूटा नहीं है, हो ही रहा है, तो चलिए घास लेकर चलते हैं घर पे। वहाँ पर दोस्तों घास रख दिया हम, देख सकते हैं और फुनफुना रहा है बारिश, मौसम फ्रेश जैसे है लेकिन बोली वही रहा है। तो अभी दोस्तों आ जाए घर, लेकिन देख सकते पूरा जमा गीला हो गया, अभी चलते हैं देख सकते हैं क्या हाल है आंगन का। अभी दोस्तों चलते हैं भैंस का पानी पिलाना है, तो भैंस का पानी पिलाते हैं, कल है यहीं से पानी भर कर